नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों मैं विमलेश कुमार ओला उबर ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों 9 बजे करीब मैं लॉगिन हुआ था और ठीक 15 मिनट बाद ही मेरे पास पोर्टल में पहली ऑर्डर बच गई थी। तो दोस्तों चलिए इस ऑर्डर को रिसीव करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या ऑर्डर है मुझे डिलीवर करने का। तो पोर्टल में मैंने ये पहला ऑर्डर ले लिया है, आप देख सकते हैं ये मेटल का सामान है कुछ, और ये देख सकते हैं वायर साल निकला हुआ है। तो इसको ड्रॉप करने हैं बदरपुर बॉर्डर के आसपास से, जो कि फरीदाबाद में पड़ता है, और इसको छोड़ना है सेक्टर 85। तो इसकी डिस्टेंस की बात करें तो दोस्तों दिखा रहा है डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 32 किलोमीटर, और पोर्टर मुझे दे रहा है इसको ड्रॉप करने के 322-23 रुपये के आसपास। तो चलिए इसे ड्रॉप करते हैं और देखते हैं सेकंड ड्यूटी कहाँ के मिलती है। तो ये सामान इस भाई को दे रहा हूँ, ठीक है जी, आप हो ना। तो दोस्तों पोर्टर में मैंने पहला ऑर्डर कम्प्लीट कर दिया है, अभी इसी बिल्डिंग में ड्रॉप किया मैंने, इसी अपार्टमेंट में। तो चलिए देखते हैं सेकंड ऑर्डर कहाँ के मिलती है और कब मिलती है। तो दोस्तों ये ऑर्डर मैंने उबर में लिया है, जो कि उबर में पैकेज का ऑर्डर बुकिंग आई थी मेरे पास, और इसको एक्सेप्ट करके मैं ये ऑर्डर ले भी चुका हूँ, और इसको ड्रॉप करने हैं गुड़गांव। तो दोस्तों फरीदाबाद से इसको गुड़गांव लेके जा रहा हूँ। इसकी डिस्टेंस की बात करें तो 32 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से, और पेमेंट मुझे अभी शो नहीं कर रहा क्योंकि ये उबर में मैंने ये पहला ऑर्डर लिया है। तो इसको ड्रॉप करने के बाद बताऊंगा कि कितने पैसे दे रहा है मुझे, और ये मैंने जब से उबर चलाना शुरू किया तब से ये मेरा पहला ऑर्डर है उबर में, जो कि कोई पार्सल ड्रॉप करने हैं मुझे। तो चलिए दोस्तों इसकी कैसे एक्सपीरियंस रही और कितने परसेंट कमीशन काटता है ये भी मैं वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए इसे ड्रॉप करते हैं गुड़गांव। तो दोस्तों इस बॉक्स की ड्रॉप लोकेशन पे आ गए हैं और इसको रिसीव करने के लिए आ रहा है कोई, तो चलिए वेट करते हैं और उन्हें सामान डिलीवर करेंगे, फिर वापस देखेंगे कहाँ की ड्यूटी मिलती है। हाँ जी भैया, हाँ जी भैया, इतना सामान ये तो घर पे पहुँचाना पड़ेगा। हल्का ये भैया, ज़्यादा भारी नहीं है, वो खुद ही लेके आते हैं हाथ में। मेरे पास दूसरे ऑर्डर आ गए, जो भी कह रहे मेरे पास दूसरी ऑर्डर आ गया और ये हल्का, ये ज़्यादा भारी नहीं है। ये लीजिए, ऑर्डर देखेगा जब मैं अभी हल्का कुछ है नहीं, कोई बात नहीं। तो दोस्तों पोर्टर मैंने दूसरा ऑर्डर लेने के लिए खड़ा हूँ अभी, और वो सामान लेके आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है दोस्तों, आप पोर्टर से मैं हूँ, ये सामान ले जाना है। तो दोस्तों पोर्टर मैंने ये दूसरा ऑर्डर ले लिया है, और इसकी डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ से दिखा रहा है 22 किलोमीटर, और पोर्टर मुझे दे रहे इसको ड्रॉप करने के 220 रुपये के आसपास। तो चलिए दोस्तों इसे ड्रॉप करते हैं। तो दोस्तों इस बैग की ड्रॉप लोकेशन पे आ गए और यहाँ ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, तो इसको रिसीव करने के लिए आ रहा कोई अभी, तो देखते हैं कौन है। हाँ ये आपका है? हाँ। लो हल्का, ये पेमेंट करनी थी कुछ। पेमेंट करनी है? हाँ। तो मुश्किल नहीं, ऑनलाइन नहीं, आपको कैश देना पड़ेगा। कितना? 201 मिनट चेक कर लेता। तो दोस्तों दिन की मैंने आखिरी ड्यूटी कंप्लीट कर दिया है, अब मैं घर जा रहा हूँ। तो दोस्तों घर पहुँच के आपको बताता हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में कौन से ऐप चलाए और कौन से नहीं चलाए, और कितने की अर्निंग करी मैंने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं घर अब। तो दोस्तों आज मैंने उबर में एक ड्यूटी कंप्लीट किया था, जो कि एक पैकेज का था, जो कि उसमें कुछ पार्सल पहुँचाने थे फरीदाबाद से लेकर के गुड़गांव। तो दोस्तों इसकी डिस्टेंस की बात करें तो दिखा रहा था मुझे 32 किलोमीटर, और इसमें पहला ऑर्डर मैंने कंप्लीट किया, मुझे पता भी नहीं था कि उबर क्या रेट दे रहा है हमें। तो आपको बता दूं उसको ड्रॉप करने के बाद तकरीबन मैं जैसे इस ऑर्डर को क्लोज किया तो उसमें मुझे दिखाया कि 311 रुपये मुझे मिले हैं उबर के कमीशन देने के बाद। तो दोस्तों बहुत अच्छा रेट देता है उबर, अगर उबर में आपके पास कोई ऑर्डर आता है तो उसे कैंसिल बिल्कुल भी ना करें सामान डिलीवर करने की, तो बहुत अच्छा रेट दे रहा है, तकरीबन 10 रुपये किलोमीटर के आसपास देता है वो उबर। तो एक ड्यूटी मैंने कंप्लीट किया है जो कि 32 किलोमीटर के 311 रुपये के आसपास मुझे दिया है उबर ने। तो दोस्तों काम पे से मैं वापस आ गया हूँ, और आपको बताना चाहूँगा आज पूरे दिन में मैंने तकरीबन 4 ऐप यूज़ करे हैं, जो कि पहला मैंने 9 बजे करीब लॉगिन हुआ था पोर्टल में, और 9:15 बजे के आसपास मेरे पास पहले ऑर्डर आ गया था। तो दोस्तों वो जो पहला ऑर्डर में मैंने जो अर्निंग करी थी तकरीबन 330 रुपये के आसपास, और दोस्तों तो उसके बाद दूसरा ऑर्डर मुझे बच गया था इसमें उबर में, जो कि फरीदाबाद से ड्रॉप करनी थी गुड़गांव, तो 311 रुपये के आसपास मैंने उसमें अर्निंग करी है। और तीसरी ड्यूटी आपको बता दूं दोस्तों ओला में बच गया था मेरे पास गुड़गांव से फिर मयूर बिहार, जो कि 36 किलोमीटर दिखा रहा था, और उसमें जो मेरी अर्निंग हुई है तकरीबन
275 रुपए के आसपास। और आपको बता दो, फिर दोबारा पोर्टर ऑन किया था मैंने, और पोर्टर में ड्यूटी आ गई थी मेरे पास दोबारा, मयूर बिहार से, ये सेक्टर 16A फरीदाबाद। तो दोस्तों उसमें जो मेरी अर्निंग हुई थी तकरीबन 225 रुपए के आसपास, और उसके साथ साथ एक वी फास्ट मैंने और चालू कर लिया था उसी के साथ ही, तो ये दोनों ऑर्डर एक साथ आए थे, तो 165 रुपए के आसपास मैंने उसमें अर्निंग किया है। तो दोस्तों तकरीबन आज मैंने 4 ऐप यूज किए हैं, और चारों में एक 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 ड्यूटी 3 ऐप में आए हैं, और इसमें पोर्टर में बता दूं आपको 2 ऑर्डर मैंने उसमें कंप्लीट किया है। तो टोटल जो अर्निंग रही है आज की 1300 रुपए की। तो तकरीबन मेरी आज जो बाइक चल गई है तकरीबन 136 किलोमीटर के आसपास, तो आपको बता दूं 250 रुपए के आसपास मेरा पेट्रोल लग गया आज। तो आज की जो अर्निंग रही है आप 1300 रुपए, दोस्तों 1300 रुपए में से 250 माइनस करते हैं तो 1050 रुपए बचते हैं। तो आज की जो टोटल अर्निंग रही मेरा पेट्रोल निकालने के बाद 1050 रुपए की रही। तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के धन्यवाद, शुक्रिया।